एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे केतु ग्रह के बारे में। अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, अर्थात वो पाप प्रभाव में है, अच्छे स्थान पे नहीं है, तो वो क्या प्रभाव आपको देख सकता है, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर केतु जो ग्रह है वो अगर अशुभ स्थिति में है तो जो जातक है वो निरुत्साहित रहता है और उसमें मुख रोगी रहता है, स्त्री पुत्र की चिंता रहती है, किसी अंग में खराबी रहती है और धोखे से हानि उठाने वाला रहता है, वाणी के कारण दूसरों से विरोध सहना पड़ता है, धन का नाश होता है, कटु वक्ता होता है, अपव्ययी होता है। तो इस तरह से आप ये जो लक्षण है वो आप देख सकते हैं। कर्ण रोगी हो सकता है, भात्र पक्ष से अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं और इसका लक्षण के और प्रभाव आदि के बारे में आज जो बात कर रहे हैं, तो इसमें ये भी होता है कि जो जातक है इसको अध्यात्म में रुचि नहीं रहती है, अगर वह खराब स्थिति में रहता है और जब भी केतु की अशुभ स्थिति की बात करेंगे तो रिश्तेदारों से उसके रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं, दूसरों का हक छीनने वाला होता है, झूठी गवाही देना, धोखा देना, ये केतु के बुरे प्रभाव हैं। तो अगर आपकी कुंडली में अगर केतु अशुभ स्थिति में है तो जो हम प्रभाव लक्षण आदि का बात कर रहे हैं वो देखिए, ये मुकदमेबाजी में पड़ जाते हैं, अनावश्यक झगड़ा करते हैं, वैवाहिक जीवन भी शांतिपूर्ण रहता है, भूत प्रेत बाधाओं द्वारा परेशान होते रहते हैं और बीमारियों में असाध्य रोग हो सकते हैं, गुप्त रोग हो सकते हैं, खांसी तथा वातपित्त विकार संबंधी रोग हो सकते हैं, फतरी का रोग हो सकता है। इस तरह से आप जान सकते हैं कि अशुभ केतु होने पे व्यक्ति को जो स्थितियां बताई वो आप देख सकते हैं। और कुछ आगे के हम बात करेंगे तो जैसे पेशाब की बीमारी होना, संतान प्राप्ति में बाधा होना, अनैतिक कार्यों में रत रहना, संतान पक्ष से दुखी रहते हैं, अस्थिर बुद्धि रहती है, इस तरह से इनको पेट रोग हो सकता है, वायु रोग हो सकता है, वात रोगी हो सकते हैं, संतान से दुखी हैं रहते हैं, मितव्ययी रहते हैं और जैसे व्यापार आदि में इनको अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है, वहाँ पे झगड़ा आदि करते हैं, मति ब्रह्म रहती है इनकी और सुखहीन रहते हैं, संपत्ति में भी विवाद रहता है, जो सुख घर का है मातृ सुख और गृह शांति गृह सुख जो होते हैं उसमें कमी आती है, जन्म स्थान इनको छोड़ना पड़ता है, मन अशांत रहता है और चिड़चिड़ेपन के कारण पति पत्नी में झगड़े हो सकते हैं, स्त्री से झगड़ा करना, क्लेश करना, इस तरह से दुर्घटनाओं की भी संभावनाएं रहती है अगर केतु की पाप प्रभाव में हो, अशुभ स्थिति में हो, तो इस तरह से गुदा रोग, वात रोग, बवासीर, शरीर कष्ट, इस तरह के कष्ट आप देख सकते हैं। तो अब इस जो भी हमने अभी आपको ये बता रहे हैं, ये अगर लक्षण प्रभाव अगर केतु आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो ये देख सकते हैं आप, तो आपको उनके उपाय के स्वरूप में
अशुभ क्या क्या कर सकते हैं, तो वो उपाय में सर्वप्रथम तो आपको बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करना चाहिए, ओम गण गणपते नमः का पाठ करना चाहिए, और केतु का जो मंत्र है ओम किम केतुआ नमः का पाठ करके 108 बार प्रतिदिन करना चाहिए, दुर्गा जी की आराधना करना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, और भगवान गणेश जी की आराधना करने से भी इसका अच्छा फल प्राप्त होता है। और कुत्तों को रोटी खिलाना चाहिए, और कुत्ता हो सके तो आप पाल सकते हैं तो कुत्ता पालिए, और पक्षियों के लिए बाजरा आदि का दाने पानी का इंतजाम करना चाहिए, चींटियों के लिए भी भोजन व्यवस्था करना चाहिए। इस तरह के उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे कि हमारे केतु ग्रह के जो अशुभ लक्षण हैं वो आपको उसके प्रभाव में कमी आ सकती है। आपको अगर आपकी कुंडली नहीं है और इस तरह के लक्षण आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो ज़रूर ये सरल से उपाय जो हमने बताए हैं वो करके आप उसके प्रभावों को कम कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।